हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दूसरी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं महान कॉमेडियन महमूद के बेटे की दर्दनाक मौत के बारे में। सिर्फ 31 साल में अपने बेटे की मौत ने महमूद को हंसना ही भुला दिया था। पुराने हिंदी सिनेमा में जब महमूद की एंट्री होती तो लोग खुद ब खुद हंसने लग जाते। सारी दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार के जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आया कि ये खुद हंसना ही भूल गया था। जी हाँ, वो मोड़ था महमूद के जवान बेटे की मौत। सिर्फ 31 साल में उसकी मौत ने महमूद को शोक में डुबो दिया था। कम ही लोगों को पता होगा कि महमूद का एक बेटा हुआ करता था। महमूद की पहली शादी मीना कुमारी की बहन माधुरी से हुई थी। 1971 में दोनों का एक बेटा हुआ था जिसका नाम रखा गया मखदूम अली। प्यार से लोग मैकी मैकी कहा करते थे, फिर वो मैकी अली के नाम से ही मशहूर हो गया। मैकी मानो शुरू से ही बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ। जन्म से ही पोलियोग्रस्त और दाहिना हाथ काम नहीं किया करता था। कुछ सालों बाद जब महमूद और माधुरी अलग हो गए तब वो सौतेली माँ का साथ बर्दाश्त नहीं कर सका। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर भाग गया था। महमूद को 5 साल तक मैकी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। 1984 में भागा मैकी, 1989 में वापस आया था। वैसे महमूद अपने बेटे मैकी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई कुंवारा बाप, जो 1974 में रिलीज हुई। इसमें 3 साल के मैकी ने ही अपंग बच्चे का किरदार निभाया था। लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो महमूद का ही बेटा था और हकीकत में अपंग था। महमूद फिल्म के जरिए लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना चाहते थे। इस फिल्म से मैकी रातों रात स्टार बन गया था। फिर 1978 में महमूद की एक और फिल्म आई, एक बाप 6 बेटे। इस फिल्म में भी मैकी ने अभिनय किया था। वैसे मैकी एक्टर के साथ एक अच्छा गायक भी था। रामशंकर के म्यूजिक एल्बम यारो सब दुआ करो में वो नजर आया था। इसके बाद मैकी ने खुद का एल्बम निकाला जिसका नाम शायद था। दोस्तों, मैकी का अंत बहुत बुरा हुआ। महमूद ने उसकी शादी बिल्किस नाम की लड़की से कर दी थी। दोनों का एक बेटा भी है मिजान। तीनों मुंबई के वर्सोवा में रहा करते थे। मैकी अपंग होने की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाता था। इसी वजह से जवानी में ही उसको गंभीर डायबिटीज की बीमारी ने घेर लिया। 29 साल की उम्र में तो मैकी की तबीयत इतनी खराब होने लगी कि उसको दिखना भी कम हो गया था। महमूद से बेटे की हालत नहीं देखी गई तो उन्होंने मैकी को बेंगलोर अपने पास वापस बुला लिया। 2 साल तक वो पिता के साथ ही रहता रहा। 2002 में महमूद को अपना इलाज करवाने अमेरिका जाना था। 31 अगस्त के दिन मैकी अपने जीजा के साथ महमूद को मुंबई छोड़ने गया हुआ था। वो पिता को छोड़कर एयरपोर्ट से वापस कार में लौट रहा था। अचानक उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसी दौरान उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और वो वहीं पर छटपटाने लग गया। जीजा साजिद फौरन ही गाड़ी अस्पताल की ओर ले गए। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि कार्डियक अरेस्ट से मैकी की मौत हो चुकी थी। सिर्फ 31 साल की उम्र में बेटे की मौत की खबर ने महमूद को अंदर से खत्म कर दिया था। पहले से ही बीमार महमूद भी बेटे के गम में 2 साल बाद ही दुनिया छोड़कर चल बसे। दोस्तों, आप महमूद के बेटे मैकी अली को जानते थे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।